ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक आपकी केमिस्ट्री की काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका यूज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में करते हैं, स्टोचियोमेट्री में भी करते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। सो इन सब कंसेप्ट्स को मिलाकर ये काफी यूज होती है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो भी हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ये सारी हम स्टडी करते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक वेरिएबल टर्म है। आपका एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ये आपकी वेरिएबल नजर आती है, कई बार ये वैलेंसी के इक्वल होती है, कई बार वैलेंसी के डिफरेंट भी होती है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में भी डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इन सब पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज द रेजिडुअल चार्ज और इमेजिनरी चार्ज। When we remove other ions या other atoms as ions, यदि हम किसी भी मॉलिक्यूल में से जो भी और एटम्स प्रेजेंट हैं उनको आयंस के रूप में रिमूव कर ले, तो जिस जो भी आपका रिमेनिंग एटम है उस पर जो चार्ज बचेगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट और ON एक ही बात है, तो ये हमारे को चीज ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए किसी भी एलिमेंट के हम कुछ रूल रेगुलेशंस डिफाइन करते हैं। फर्स्ट रूल ये है कि इन द एलिमेंटल फॉर्म All elements आपके ऑक्सीडेशन नंबर जीरो शो करते हैं एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल सोडियम F2, Cl2, P4, Sa, इन सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलिमेंट में हम जीरो मानेंगे। दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज +1 विद नॉन मेटल। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1 विद मेटल्स। मेटल्स के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हम -1 मानेंगे और नॉन मेटल्स का +1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नॉन मेटल से कम है, जैसे HCl है तो हाइड्रोजन की 2.1 इसकी 3, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन आपकी जो मेटल्स हैं उनसे कम होती है, जैसे NaH है तो NaH में सोडियम की जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.9 होती है और इसकी 2.1 होती है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो कहीं भी पार्शियल चार्ज आता है पॉजिटिव नेगेटिव ऑक्सीडेशन में उसे +1 -1 के अकॉर्डिंग रखा जाता है। ठीक है, यदि दो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हो तो आपका +2 मान लिया जाता है। इसके बाद जो है एल्कली मेटल्स आपकी जो है उनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट आपका थर्ड रूल ये है कि एल्कली मेटल्स विल शो +1 ON इन देयर कंपाउंड्स। एल्कली मेटल्स आपकी कौन कौन सी होती हैं? लिथियम, बेरिलियम, लिथियम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये जो एल्कली मेटल्स हैं आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। इसके बाद जो आपकी मेटल्स आती हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स विल शो
प्लस टू ओ एन इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है, इनकी आपकी प्लस वन होती है। नेक्स्ट, और एल्कलाइन आपकी जो अर्थ मेटल होती है वो कौन सी होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, ट्रिटियम, रेडियम। ये जो मेटल्स हैं आपकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स में शो करती है। नेक्स्ट आपको पॉइंट ध्यान रखना है, फ्लोरीन विल शो माइनस वन ओ एन इन देयर कंपाउंड्स। फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए हमेशा माइनस वन ही रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिक्स, ऑक्सीजन विल शो माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली, बट इन परऑक्साइड्स ओ एन इज प्लस वन, ओ सॉरी माइनस वन। परऑक्साइड्स में जो है ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट ऑक्सीजन के हमें माइनस वन रखनी है, और जो आपके ओ एफ टू कंपाउंड है ओ टू एफ टू ओ एफ टू, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन होती है और इसमें प्लस टू होती है, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा आपके दो पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर के, किसी भी आयन पर जो उसकी ऑक्सीडेशन होती है आयन की, जितना उस पर चार्ज होता है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लस थ्री है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी आपकी? प्लस थ्री। सल्फेट आयन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फेट आयन दैट इज माइनस टू। इन एनी कंपाउंड मॉलिक्यूल सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालेंगे। कुछ एक एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे, जैसे आपका सल्फेट में हमें सल्फर की निकालनी है, अमोनियम में हमें नाइट्रोजन की निकालनी है, ठीक है, Cr2O3 में Cr की निकालनी है, K2Cr2O7 में इस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये और आपके कुछ और भी एग्जांपल हैं अच्छे, जैसे Fe3O4 में हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, Na टू एस फोर ओ सिक्स में सल्फर की हमें निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम ऑक्साइड में पेंट ऑक्साइड में हमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो नेक्स्ट जो है हम इन लोग एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और इनका डिस्कशन करेंगे। हमें एक पॉइंट और भी ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये प्लस एट तक ही हो सकती है, ठीक है जी। इसके एग्जांपल है जैसे आपके ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसमें जो आपका ऑस्मियम है दैट विल शो प्लस एट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड का आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का। इसके अलावा आपका एक और एग्जांपल है टंगस्टन टेट्रा ऑक्साइड, तो इसमें जो डब्ल्यू है आपका प्लस ए ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
ऑस्मियम, टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो ये ही दो एग्जांपल्स हैं मतलब जिनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 8 जाती है। तो ये रूल भी ध्यान रखना है कि प्लस 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। और कभी भी फ्रैक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो इसका जो है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ खास उसके बात होगी और उसका हम बॉन्डिंग से रिलेशन जोड़ेंगे। जैसे आपका सल्फेट आयन है, इसमें हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो मान लिया हमने X, तो X प्लस माइनस 2 इंटू 4 इजिकल्स टू माइनस 2, तो X इजिकल्स टू क्या आया आपका प्लस 6, तो यहां पर इसकी प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनियम में निकालनी है हमारे को, तो आपका नाइट्रोजन की मान लिया हमने X है, हाइड्रोजन की प्लस 1 इंटू 4 इजिकल्स टू प्लस 1, तो X इजिकल्स टू माइनस 3। क्रोमियम में हमारे को क्रोमियम ऑक्साइड निकालनी है, तो इसकी मान लिया हमने क्या X, तो दो एटम है 2X प्लस माइनस 2 इंटू 3 इजिकल्स टू 0, तो आपका X इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका प्लस 3 आ जाएगा। पोटेशियम K2Cr2O7 में हमारे को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो पोटेशियम की हमने मान ली 1 इंटू 2 प्लस क्रोमियम की 2X प्लस माइनस 2 इंटू 7 इजिकल्स टू 0, तो आपका X इजिकल्स टू क्या जाएगा प्लस 6। इस तरीके से हम इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। आपको Fe3O4 में निकालनी है, तो आपकी जो है यहां पर क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट इस आयरन की 3X प्लस माइनस 2 इंटू 4 इजिकल्स टू 0, तो X वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस 8 बाई 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जैसे आपका Na2S4O6 है, इस कंपाउंड में हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बैठे हैं, तो क्या होगी आपकी 1 इंटू 2 प्लस 4X प्लस माइनस 2 इंटू 6 इजिकल्स टू 0, 4X माइनस 10 इजिकल्स टू 0, तो X इजिकल्स टू क्या आएगा 2.5 आएगा। तो यदि हम इन दोनों एग्जांपल्स को ध्यान से देखें तो भाई फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन का क्या मतलब हो सकता है कि एक फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्लास में क्या स्टूडेंट फ्रैक्शन में हो सकते हैं, या दो 15 होंगे या 16 होंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि वो 15.5 ही होंगे। तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे हम इसको कैसे और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे आयरन ऑक्साइड का इसका हम देखें Fe3O4 का स्ट्रक्चर, तो वो इस तरीके से होता है FeO इंटू Fe2O3। ठीक है, एक इसमें आयरन की प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यदि हम एवरेज निकालें इस बात की कि एक एटम की प्लस 2 है और आपका दो एटम की 3 है, और डिवाइड बाय 3 करें तो कितना आ जाएगा प्लस 8 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन पर ध्यान करें कि भाई इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है, और इस पर आईआईटी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसमें 4 आइटम्स है, तो हो सकता है चारों की अलग अलग हो, हो सकता है दो की सेम हो दो की अलग हो, तो उनमें मैक्सिमम डिफरेंस क्या है, ये आपका आईडी में क्वेश्चन आ चुका है। तो यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो ये एटम है इसकी वजह से सल्फर पे कितना माइनस 2, इस पर माइनस 2, इस पर माइनस 1, इस सल्फर के रेस्पेक्ट में सेम एटम्स हैं, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानेंगे। तो यहां पर इसकी नेट रिजल्टेंट प्लस 5, इसकी 0, इसकी 0, और इसकी क्या हो जाएगी फिर इसकी माइनस 2, माइनस 2, माइनस 1, और ये प्लस 5 जाएगी। तो नेट रिजल्टेंट इनका क्या बैठेगा 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल टू 2.5, जो हमारा इससे रिजल्ट आया था।
ठीक है ना। तो इसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस दो एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का बैठेगा दैट इज 5, 5 माइनस 0 = 5। तो ये आपका आईआईटी में क्वेश्चन आया था। तो आईआईटी में ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट की और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, और इनका डिस्कशन स्ट्रक्चर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारा लास्ट एग्जाम्पल रह गया क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का, इसमें क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? यदि आप इसकी फॉर्मूले से निकालें तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 5 × −2 = 0, तो एक्स इज़ टू प्लस 10। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम जो है या कोई भी एलिमेंट 8 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता। तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर जो है क्रोमियम का थोड़ा सा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। तो क्रोमियम के इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ठीक है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, तो इसमें जो क्रोमियम है, इसमें इस क्रोमियम को आप देखें तो इस ऑक्सीजन की हम लोग -1 मानेंगे, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1 और इसकी -2, तो क्रोमियम पे नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, +6। तो इसमें जो आपका आंसर होगा क्रोमियम में की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +6, ठीक है। अब हम एक आईआईटी का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आईआईटी में भी आ चुका है, IEEE में भी आ चुका है, स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा होगा इसका आइडिया आप खुद ही लगा सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन आईडी में आया हुआ था, 1 mole of N2H4 loses 10 mole of electrons to form a new compound Y. Assuming all the nitrogen appears in the new compound, what is the oxidation state of nitrogen in Y? There is no oxidation state change of hydrogen. तो सबसे पहले हम N2H4 को देखें, H4, इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आपका हाइड्रोजन की हम क्या मानेंगे, +1 × 4 + 2x = 0। तो आपका क्या हो जाएगा, 2x = आपका -4, तो x = −2। अब यहां क्या हो क्या रहा है, यहां पर जो इसके पास से 10 मोल इलेक्ट्रॉन कम हुए, यानी 2 mole नाइट्रोजन आइटम में से 10 mole गए, तो यानी 1 mole नाइट्रोजन में से -2 में से 5 electron mole - हुए, और 1 electron निकलने पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए Fe+2 है, इससे इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ तो +2 से +3 हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 5 mole निकालने पर -2 + 5 हो जाएगी, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा, +3। तो जो नया कंपाउंड होगा उसमें आपकी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3।